और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हमारा श्वसन तंत्र है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल ऑफ टेकिंग इन O2 एंड एक्सप्रेशन CO2। जो हमारा रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र जो है वह एक ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल करता है जो कि ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है उनमें कौन कौन से अंग आते हैं जो कि हमारे श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा नोज और दूसरे नंबर पे आता है हमारा फेरेंक्स, जिसको हम गला भी बोलते हैं, थोरो। इसके बाद आता है लैरिंग्स जो कि हमारे वॉइस बॉक्स में काम आता है। इसके बाद आता है ट्रेकिया जिसको कि हम वाइंड पाइप भी बोलते हैं। और इसके बाद आता है हमारा ब्रोंकाई जो कि हमारे लंग्स के अंदर छोटी छोटी पाई जाती है। उसके बाद आता है हमारे ब्रोंकियल्स, टर्मिनल ब्रोंकियल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। उसके बाद आता है एल्विओलाई डक्ट, इसके बाद आता है एल्विओलाई सैक, इसके बाद आता है एल्विओलाई। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइडेड इन टू पार्ट एनाटॉमिकली। द फर्स्ट में आता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके अंदर आते हैं नोज और लैरिंग्स। और दूसरा आता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके अंदर आता है लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइडेड इन टू पार्ट फंक्शनली। कंडक्टिव जोन जो कि फर्स्ट है, एसरीज इंटर कंडक्टिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स आउटसाइड एंड विद इन द लंग्स। पार्ट, इसका पार्ट है नोज, फेरेंक्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकाइल, टर्मिनल ब्रोंकिस। नो गैस एक्सचेंज, सो कॉल्ड डेड स्पेस ऑफ डेड जोन, टोटल वॉल्यूम फेयर इन कंजक्टिव जोन 150 ml। रेस्पिरेटरी जोन जो कि सेकेंड है, गैस एक्सचेंज अकर इन दिस जोन। फर्स्ट GT कंसिस्ट रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, एल्विओलस डक्ट, एल्विओलस सैक, एल्विओलस एल्विओलाई। सेकेंड है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन रेस्पिरेटरी जोन 5 से 6 लीटर। नोज इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन। नोज एपिथेलियम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिटेड कॉल्यूमर एपिथेलियम। नोज कंटेन गोब्लेट सेल्स फॉर्मेशन म्यूकस सीलिया एक्सप्लेंटन ऑफ म्यूकस। फंक्शन द नोज, नोज की क्या फंक्शन है, फिल्टरिंग वर्मिंग मॉइस्चर इंस्पायर्ड एयर प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर थ्रू एक्सप्लेशन एयर राइनेटाइज इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकस एंसोमिया लॉस ऑफ स्मेल। ये सब हमारे जो नाक के फंक्शन है ये क्या करती है, हमारे छोटे छोटे धूलों के कणों को रोके रखती है, बाहरी मॉइस्चर एयर को ज़्यादा अंदर जाने नहीं देती है और प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर थ्रू, जो अपन बाहर जो गैस को निकालते हैं उसमें से ज़्यादा वाटर को लॉस नहीं होने देती है। और राइनाइटिस जो कि एक जिसको जुकाम बोल सकते हैं हम, वो इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा एमनोसीमिया उसकी वजह से होता है, उसकी वजह से हमको लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है जो कि क्रेनियल 6 की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, हमें गंध स्मेल का पता नहीं लगता। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर कर देना कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप अगर नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि ESICRRB। थैंक यू सो मच।